गुड इवनिंग। एसएससी सीएचएसएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आयोग द्वारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्पष्ट है कि बहुत जल्दी टीयर टू का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ टाइपिंग की डेट भी क्लियर हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि इतने कम समय में टाइपिंग कैसे क्लियर की जाए। समय बहुत कम है, काम बहुत मुश्किल है। आपकी इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको मैं वो टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप टाइपिंग में 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं और हर हाल में टाइप टेस्ट क्लियर कर लेंगे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएचएसएल एग्ज़ाम में टाइपिंग कितनी महत्वपूर्ण है और टीयर वन और टीयर टू क्वालिफाई करने के बाद अगर टाइपिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको कितना दुख होगा ये भुक्तभोगी ही समझ सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और टाइप टेस्ट क्वालिफाई करें। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा अगर आप बिगिनर हैं तो भी और अगर आपको टाइपिंग आती है तो भी आप प्रैक्टिस करके टाइप टेस्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको पैसेज भी मिलेगा, आपकी स्पीड कितनी है, एरर परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे ही पता लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तब आप इस पे कर पाएंगे, और अगर कहीं आप किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है जाकर के indiatyping.com, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो indiatyping.com वेबसाइट पर चले जाइए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीख रहे हैं तो भी वहाँ पर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो है indiatyping.com पर जाइए और उसके बाद ओपन करिए और आप इस पेज पर पहुंचिए, हिंदी टाइपिंग टेस्ट कुर्तीदेव। ये हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है। आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लें, हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो है योर नेम, सेलेक्ट टाइम फॉर द टेस्ट, सेलेक्ट पैसेज और स्टार्ट टाइपिंग, ये ऑप्शंस हैं। अब पहले आप इसमें अपना जो है नाम जो भी है वो फिलअप कर दीजिए। तो सपोज करिए मैंने अपना नाम जो है फिल कर दिया। अब इसके बाद जो है टाइप सेलेक्ट टाइम फॉर द टेस्ट, तो ये हमने जो है इसको जब आप करेंगे तो आपको 10 मिनट का जो है टाइपिंग करनी होती है, तो 10 मिनट का आप टाइम सेलेक्ट कर दीजिए। 10 मिनट आ गया। अब इसके बाद आपको पैसेज जो है तो आप 300 या 500 वर्ड का एक पैसेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, 300 वर्ड का पैसेज आप सेलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद स्टार्ट टाइपिंग जो है जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब आप इसके बाद देखिए आपको एक 300 वर्ड का जो है पैसेज मिल गया। अब आप इस पैसेज को टाइप कीजिए और टाइप जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कितने आपकी स्पीड है, ग्रास वर्ड पर मिनट कितना है, नेटवर्क पर मिनट कितना है, एक्यूरेसी कितने परसेंट है और टाइम कितना आपको लगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही 10 मिनट पूरा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली जो है टाइपिंग आपकी बंद कर देगा और उसके बाद जो है आपको ये फिर आप देख लीजिए कि रिज़ल्ट क्या रहा, कितने आपकी एक्यूरेसी है, कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं। तो इससे आपको अपनी टाइपिंग इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी, आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कितनी गलती हो रही हैं, क्या क्या एरर्स हो रही हैं जिसको कि आपको सुधार करना चाहिए। तो ये चीज़ आप जब घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी 100% आ जाएगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जब करें तो 1 घंटे 2 घंटे जितना भी करें,
लेकिन 10 मिनट का स्पेल बना के करें। आप 10 मिनट का एक पैसेज चुनिए, सेलेक्ट कीजिए और 10 मिनट जो है प्रैक्टिस करिए, उसको टाइप करिए 10 मिनट, फिर उसको चेक करिए। देयर आफ्टर फिर आप दूसरा पैसेज लीजिए 10 मिनट, फिर उसको टाइप करिए। इस तरह से आप 5-6 पैसेज जो है पर डे, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और एक्यूरेसी चेक करते रहिए। धीरे धीरे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी और वो स्थिति आ जाएगी कि आप जो है टाइप टेस्ट क्वालिफाई करा देंगे, कर लेंगे। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रिज़ल्ट शीट कैसे शो होती है, रिज़ल्ट शीट में जो है कैसे आपको पता लगेगा कि कहाँ क्या कमी रही है और आपकी एरर क्या रही है। तो चलिए रिज़ल्ट शीट पर चलते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वेबसाइट पेड वेबसाइट नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात, मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें रिज़ल्ट शीट आपके सामने खुल करके आ गई। अब इसमें जो है देखिए हर चीज़ क्लियर है। ये आ गया ग्रास वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट, ग्रास की स्ट्रोक्स कितने आ गए, ये आ गया 172.6, नेट की स्ट्रोक्स कितने आ गए 147.6, एरर वर्ड कितने आ गए 5, बैक स्पेस टाइप 0, एक्यूरेसी 85.52% और टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यही चीज़ आपको चाहिए, इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि आपकी स्पीड कम है या एक्यूरेसी कम है या कितने की स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कितने चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी रिजल्ट शीट से। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गलतियाँ जो है कहाँ कहाँ पर हुई हैं। ये मैटर था टाइप करने के लिए, ये मैटर आपके सामने इसको टाइप किया गया। अब देखिए गलती कहाँ कहाँ पर हुई, देखिए ये हाईलाइटेड है जहाँ जहाँ पर एरर हुई हैं। ये आप इसी तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपने गलती की है, और जो गलतियाँ की हैं तो फिर उसको आप इम्प्रूव कीजिए, उसका सुधार कीजिए, डे टू डे उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। धीरे 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 स्थिति ये हो जाएगी कि आप जो स्पीड चाहते हैं, जो एक्यूरेसी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें आप जो है अटेन कर लेंगे, सारी चीज़ आप प्राप्त कर लेंगे, बशर्ते आप जो है इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करते रहें। आप टाइम सेट कर लें, जैसे आपको जो है CHSL में 35 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड्स की चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जो है 10 मिनट्स में, ये मैंने जो बताया है आपको 300 वर्ड्स और 10 मिनट्स का बताया है, ये CHSL में 30 वर्ड और 10 मिनट्स का ही मतलब टाइम दिया जाता है, 10 मिनट्स और 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इससे आपको जो है सारी हेल्प मिल जाएगी, जो भी गाइडेंस आप चाहेंगे सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आप एग्ज़ाम हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप पहुँचते हैं, जब आप परीक्षा देने लगते हैं, तो उस 10 मिनट में क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसे भी मैं आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम हाल में आपको क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसके पहले बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था उसी लैंग्वेज में टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। और इस वेबसाइट पर हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइप उसी लैंग्वेज में करें जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया था। दूसरी बात, ये भी आप जानते हैं कि आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग करनी है, तो इसके लिए जब आप घर पर प्रैक्टिस करें तो घर पर आप जो है 40 से 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड ले आने का प्रयास करें। जब इतनी स्पीड आपके पास होगी तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग करेंगे तो आपको 1.5 से 2 मिनट का समय आपके पास बचेगा
उसमें आप रीचेक कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाएगी। अब आइए एग्ज़ाम हॉल की बात करें, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाएं, तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप किसी से कोई बात ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जितना ही आप लोगों से बात करते हैं उतना ही आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उतना ही आपके दिमाग में टेंशन पैदा होगी, और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो आपके टाइपिंग पर पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल आप शांति से अपना काम करें, किसी से कोई बात ना करें। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करेंगे, तो बायोमेट्रिक के बाद 2 मिनट का डेमो होता है। 2 मिनट में आपको उस पर आपको देखना है कि कीबोर्ड सही कर रहा काम कर रहा है, कहीं कोई इसमें बटन तो ख़राब नहीं है, कीबोर्ड में कोई कमी तो नहीं है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत आप बताइए, कीबोर्ड जो है बड़े आसानी से चेंज हो जाता है, वहाँ पर लोग जो है बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कोशिश करें कि 8 मिनट में आप उसको टाइपिंग कंप्लीट कर लें, जिससे कि 8 मिनट में जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, और उस बचे हुए समय में आप एरर्स को रिमूव कर लेंगे, कमियां जो गलतियां हैं उसको आप सही कर लेंगे, और इस तरह से एक्यूरेसी जो है वो 100% हो जाएगी। जहाँ तक घर पर आप प्रैक्टिस करने की बात है, तो आप जो है एक के बजाय 2 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। कीबोर्ड बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, 300-400 रुपये में कीबोर्ड मिल जाता है। आप एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड रखिए और दोनों पर प्रैक्टिस करिए, बदल बदल करके, जिससे कि आपको एक ही कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करने की आदत ना बने, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो भी कीबोर्ड मिले उस पर आप जो है आसानी से प्रैक्टिस, आप आसानी से टाइपिंग कर सकें। तो ये थे बहुत ही सिंपल टाइप के टिप्स जो हैं, अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगी, और आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स में फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।